मिस कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 257 का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि अब कुमार कार्तिक है जी असुरों के पीछे हैं, बाकी देखते हैं, करते वीडियो स्टार्ट। मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूँ, है ना? हाँ देवर्षि नर, आप तो सबके अति प्रिय हैं। हमारे पुत्री के जन्म पर ये भेंट स्वीकार करें। प्रभु वैजयंती माला, मैं धन्य हो गया प्रभु। ऋषिवर दुर्वासा, ऋषिवर सुनिए तो, क्या आप अब भी मुझसे कोपित हैं? क्यों नहीं होऊंगा, आपके कारण, केवल आपके कारण मैंने महादेव को श्राप देने की भूल की थी। महादेव जो कि मेरे आराध्य, क्यों? क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। शिव विवाह के उन्मान में तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और भस रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहें तो ही उचित, क्योंकि आपका आगमन अर्थात संकट का आरंभ और आपसे वार्तालाप अर्थात विपत्ति को निमंत्रण। सुनिए तो सुनना ही तो नहीं है देवऋषि। अच्छा ठीक है, सुनिए मन, मेरी ओर एक बार देख तो लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए ना, केश पृथ्वी, आकाश, आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुख से क्यों नहीं कहते? शिवर, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि आपके शाप के कारण ही तो हमें महादेव के चंद्रशेखर रूप के दर्शन हुए हैं। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती, उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो, और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? दुर्वासा, आपको आपके श्राप की महिमा से आप अनभिज्ञ हैं। सकारात्मक सोच ऋषिवर, सकारात्मक सोच। आपको यह प्रतीत हो रहा है ना ऋषिवर दुर्वासा कि आपका श्राप सदैव अनर्थकारी होता है, किंतु उसका परिणाम सदैव अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ है, कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, आप भी तो महादेव के अंश अवतार हैं। वैसे ऋषिवर, जो आपको बुरा लगा वो मुझे भी बुरा लगा। भगवान विष्णु, पिता ब्रह्मदेव, सारे सारे देवी देवता कैलाश में उपस्थित थे,
केवल इंद्रदेव को छोड़कर। अब कोई देवता महादेव का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? वो क्या कह रहे थे आप? रजोगुण के कारण। रजोगुण के लक्षण ही तो है, अन्यथा ऐसा दुस्साहस कोई कैसे कर सकता? तो आपके कहने का अर्थ ये है कि इंद्रदेव को क्षमा कर दिया जाए? मैंने ऐसा कब कहा देव ऋषि? नहीं नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्षमा के योग्य नहीं है देवराज। नारायण, तो क्या ऋषिवर आपको भी लगता है कि इंद्रदेव का अहंकार चूर करने का समय आ गया है? निसंदेह। नारायण नारायण, लीजिए ऋषिवर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं देव ऋषि? ऋषिवर, ये वैजयंती माला है जो महादेव ने मुझे आशीर्वाद रूप में दी है। ये उसी के पास टिकती है जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। यदि आप देवराज इंद्र को दर्पण दिखाएंगे तो उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध अवश्य हो जाएगा। किंतु मैं क्यों? नारायण नारायण, ऋषिवर प्रश्न उचित है। वैसे तो ये कार्य मैं भी कर सकता हूं। तो ऋषिवर दुर्वासा, आपके समक्ष मैं कौन हूं? जाइए ऋषिवर, जाइए। यदि इंद्रदेव का अहंकार शीघ्र चूर नहीं किया गया तो वो पुनः महादेव का अपमान कर सकते हैं, और इसका दुख तो महादेव के प्रियजन ही समझ सकते हैं, है ना? नारायण नारायण। देवराज बड़ी ऊंचाई में उड़ान भर रहे थे, अब नीचे गिरने की तैयारी कीजिए। स्वामी, अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। मुझे प्राप्त करने हेतु आपको अत्यंत परिश्रम करना होगा। क्यों नहीं प्राण प्रिय, महादेव का उदाहरण है जो मुझे प्रेरित करेगा। महादेव ने भी तो आदि शक्ति को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, कितने कष्ट उठाए थे, किंतु आपके बिना ये वैकुंठ नहीं लगेगा। आपको शीघ्र यहां लाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, किंतु इस बार आपको महादेव की सहायता लेनी होगी। अवश्य। आ गए, दूसरों की जय जयकार करके आ गए। क्या आप लोगों की किसी ने जय जयकार की? क्या आप लोगों का योगदान इस युद्ध में महादेव से कम था? क्या आप लोग उतने सम्मान के अधिकारी नहीं है जितने की वो? अरे कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? देवराज, आपकी सोच पर अंकुश लगाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं, किंतु हम ये मानते हैं कि आपका कैलाश न आना अनुचित था। अनुचित तो आप लोगों ने किया है मेरी अवज्ञा करके। मुझे यहां अकेला छोड़ आप लोग महादेव की जय जयकार करने उनकी सभा में पहुंच गए, और ये एक प्रकार से मेरा अपमान है ये, और मैं अपना अपमान कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, कदापि नहीं, क्योंकि मैं मुझे मेरा इन सबसे ऊपर उठिए देवराज। हे
सिंहासन पर आप बैठे हैं उसके अधिकारी नहीं हैं आप। मर्यादा, ऋषि दुर्वासा मर्यादा। जिसे मर्यादा का मान ही ना हो वो मर्यादा की बात कैसे कर सकता है। मैं किस किसी में इतना अहंकार भरा हो वो राजा बने रहने के योग्य नहीं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। और किसी के कहने से कोई क्यों मान लेगा। मैं राजा हूं और राजा बनने के योग्य हूं मैं, क्योंकि मुझमें कोई अहम भाव नहीं है। लो, क्योंकि वही अब टाइम आ गया जिसका हमें भी इंतजार था, आपको भी इंतजार था, क्योंकि देवराज इंद्र को कुछ ज़्यादा ही अब ऊंचाइयों की तरफ जा रहे थे, तो अब उनको रोकना तो है, लेकिन अब महादेव जी भी नहीं बोलते तो वो ठीक है, क्योंकि वो अब बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई एक देवराज इंद्र को वो बोलते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, आप वहाँ गए हैं कैलाश पर, सब देवता को बोल रहे हैं। जाना तो चाहिए था देवराज इंद्र को, क्योंकि जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो महादेव जी ने दिलाया उनको वापस इतनी मेहनत से, और कुमार कार्तिकेय जी ने उसमें अपना योगदान दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ऋषि दुर्वासा हैं, अब पहले भी आप देख ले कि वो कैसे दूर दूर भाग रहे थे एक नारद जी से, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक श्राप दिलवाया था, लेकिन उनका श्राप ये है कि पॉजिटिव वे में जाता है, वो कभी भी वही ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब इधर उन्होंने भेजा है तो बेस्ट यही है कि यही अब रोक सकते हैं इनको। देखो अब वो कैसे ये रोकते हैं चीज़ें। नारद जी ने भाई सही किया है, इसमें ये चीज़ें होनी थी अब, क्योंकि देवराज भाई काफ़ी एक ना अपनी लिमिट से बाहर होते जा रहे थे, क्योंकि अब देखो ना वो बेचारे देवता आए भी हैं तो उनको वो शुरू हो गए कि आप दूसरों की जय जय करते रहें कि आपका कोई सम्मान नहीं करता, बस आप दूसरों की तरफ ही मतलब के बढ़ते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मतलब कि आपकी भी एक जय जय हो तो आप मेरी तरह हो या ऐसी, लेकिन उसकी समझ नहीं यार लगी कि अब कौन जय जय करेगा एक देवता की कि महादेव जी करेंगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। लेकिन अब भाई बंदे सही से टक्कर हुई है, इसको जरूर बिल्कुल जिस तरह महादेव जी ने भी नजर रखी हुई है और नारद जी ने ये सारा कुछ आगे किया है बढ़ के, तो ज़रूर उसके पीछे महादेव जी ज़रूर इस चीज़ के ऊपर लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा पड़ गए, जिस तरह आप देख लो मैं वाली वो बात है, तो इसके ऊपर वो सीधे तो हो गए कि आप मैं करते रहते, लिहाजा ये आपके अंदर आ गया। और उम्मीद है कि आप वो इनको थोड़ा सा समझाएंगे जरूर। हाँ। बात है, इस तरह करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई। हाँ। देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।